एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के कमेंट रिप्लाई व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सबका जो कमेंट है उसका रिप्लाई देने वाली हूँ, और मैं रिप्लाई देती हूँ टेक्स्ट करके, मतलब टाइपिंग करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, मतलब कमेंट दिया है जो मैं मन से बोलना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पे इतना लंबा हो जाता है तो मैं टाइपिंग नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं डन, ओके, थैंक यू, ये सब देती हूँ। तो आज फाइनली आप सबका जितना भी लंबा लंबा क्वेश्चन है, मतलब कॉमेंट है, उसका मैं आंसर देने वाली हूँ। तो एक्साइटेड होंगे मुझे पता है, एक्साइटेड होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कमेंट रिप्लाई व्लॉग। तो लेट्स गो। और सबसे पहले एक कमेंट से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ जो हर वीडियो में आता है, हर एक वीडियो में। और वो क्या है कि दी आप कहाँ से हो, दी आपका घर कहाँ है, दी आप कहाँ रहते हो, ये सब मुझे बहुत हर एक वीडियो में आता है, तो उसका आंसर मैं देने वाली हूँ। तो मैं रहती हूँ आसाम में, और आप लोग ये भी पूछते हो कि आसाम कौन सी जगह पे, तो मैं सदिया से हूँ, आसाम सदिया से मैं बिलोंग करती हूँ। और आप सबको मिल गया होगा आंसर। तो चलिए दूसरे कमेंट में जाते हैं। राखी मंडल ने पूछा है कि हाय, आप कहाँ से हो और अपने आप घर में क्या भाषा में बात करती हो, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। थैंक यू सो मच राखी जी। और मैं घर में क्या भाषा यूज़ करती हूँ, वो तो मेरा जो लैंग्वेज है, मैं नेपाली हूँ तो मैं नेपाली भाषा में ही बात करती हूँ, लेकिन अब सबसे मैं हिंदी में बातें करती हूँ। तो फिर रानू माजू ने कमेंट दिया है कि लव यू सो मच दीदी, आपको 3 दिन पहले ही देखा, आपके व्लॉग्स को बार बार देखने का मन करता है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आप लोग के जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट है ना, इसके लिए ही मैं व्लॉग बनाने के लिए, मतलब एक्साइटेड होती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ। तो थैंक यू सो मच रानू जी, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए और मेरे व्लॉग्स को पसंद करते रहिएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं आप सबको बता दूँ, अगर आप सबका नाम ना मैं थोड़ा सा गलत ले तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे जो कमेंट का सेक्शन है ना, वहाँ पे आपका टाइटल और जो नेम है वो एक साथ आता है, तो मुझे हाफ हाफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो फिर एक साथ बोल देती हूँ। सो इसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा। उसके बाद हिमेश शर्मा ने कहा है कि आपका मौसी का चेहरा आपकी मम्मी से नहीं मिलता है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो तो भगवान ने बनाया है, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी सी मोटी है ना, तो उनका मुंह भी थोड़ा सा, मतलब सूजा हुआ जैसा लगता है, तो शायद आप सबको मम्मी और मासी का चेहरा एक जैसा नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे तो एक जैसा ही लगता है। और मासी थोड़ी सी पतली है, तो लंबा, मतलब ऐसे लंबे चेहरा है, और सारे लोग बोलते हैं कि मैं मासी जैसी हूँ। आप लोग भी कॉमेंट करके बताएगा क्या मैं मासी जैसी हूँ, तो मुझे इसका आंसर पता नहीं है कि क्यों ऐसा है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। रिया हल्दार, हमारे यहाँ बंगाल में सिबलिंग मोस्टली घर के अंदर होता है, आपके उधर बाहर होता है, कोई रीज़न है क्या, प्लीज़ बताना। तो इसका रीज़न तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं जब बचपन से ही अभी तक मैंने हमारे यहाँ सबके घर में सिबलिंग बाहर ही देखा है, और अंदर तो मोस्टली किसी के घर में भी नहीं होता। बंगाल में पता नहीं, मैं तो गई नहीं हूँ, तो मोस्टली तो मुझे इतना पता है कि मतलब बाहर होता है, और बाहर रखने का भी एक रीज़न है, क्योंकि सिबलिंग हमेशा तुलसी के पौधे के सामने ही होता है, इसीलिए हम लोग बाहर रखते। और एक बात अगर आप लोग नोटिस करते हो, जो मार्केट में एक ब्लैक कलर का छोटा सा सिबलिंग आता है ना, वो हम लोग बोलते हैं सालिग्राम, और उसको भी हम लोग बाहर नहीं मतलब अंदर नहीं रखते, उसको भी बाहर रखते, या तो तुलसी के पौधे के सामने और या तो शिव जी के सिबलिंग के सामने। तो इसीलिए हम लोग मतलब शिव जी को अंदर नहीं रखते सिबलिंग को। और आप लोग ने अगर एक बार नोटिस किया तो हम लोग का यहाँ पे ना, जब तुलसी का पौधा और सिबलिंग होता है ना, वो हमेशा हम लोग का घर का जो मेन दरवाजा है उसके राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड कभी नहीं होता, वो अशुभ माना जाता है, तो हमेशा राइट साइड ही होता है। और आप लोग नोटिस करना, मेरे घर के बाहर भी राइट साइड ही है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बोल दिया, सॉरी। तो चलिए दूसरे कॉमेंट पे जाते हैं। चंदा भुजेल, राम्रो लागेको छ, मनी अस्ति देखिन तिम्रो ब्लग हेर्दै टाइम पास गर्दैछु। तो चंदा भुजेल ने कहा है कि उनको मेरे वीडियो व्लॉग पसंद आ रहा है, और मेरे व्लॉग देखकर वो अपना टाइम पास कर रही है, तो थैंक यू सो मच चंदा जी, क्योंकि मेरे व्लॉग से अगर आपका टाइम पास हो रहा है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी का टाइम पास करना इतना आसान नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, और ऐसे ही देखते रहिए और प्यार करते रहिए।
तो चलिए नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। दिव्या राय, उन्होंने कहा है, बिचारा फेसबुक लाई छी के सारो बानेर राखे को हो, एनिमल हेर लाई पनी तो हामी जस्ते फ्रीडम राम्रो लाग्छ। तो पहले तो एक बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि यहाँ पे सारे लोग नेपाली में भी कमेंट दे रहे, तो मैं नेपाली में पढ़ रही हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। तो ये दिव्या राय ने मुझे पूछा है कि के सारो फेसबुक लाई बानेर राखेको, तो उन्होंने बोला है कि किस तरह से फेसबुक को बान के रखा है, उसको भी इंसानों की तरह फ्रीडम चाहिए। और उस उन्होंने ये बोला, मुझे कोई मतलब बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने जो एक वर्ड लगाई है छी, इसका मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आपने छी क्यों लगाया वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप ऐसे भी पूछती ना कि आपने फेसबुक को क्यों बांध के रखा है दीदी, आप फेसबुक को खोल दो, फेसबुक को भी फ्रीडम चाहिए, तो मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन आपने छी वर्ड लगाया तो मैं थोड़ा सा रिप्लाई देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो दिव्या जी, कि आपने अगर मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा होगा तो आपको पता नहीं, क्योंकि मैंने हर एक व्लॉग में हम फेसबुक को कैसे रखते हैं, कैसे खिलाते हैं, कब छोड़ते हैं, किस तरह से सुलाते हैं, ये सब एक 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 व्लॉग में मैंने दिया है। और आपने एक व्लॉग देखकर आपको आपने ये जजमेंट कर लिया कि हम लोग फेसबुक को दिन भर बांध के रखते हैं, नहीं। और आपने खुद बोला है वो एक एनिमल है, तो वो एक एनिमल है, उसके दिमाग में ना ज्ञान है ना बुद्धि है। भगवान ने इंसान को ज्ञान बुद्धि देकर भेजा है, तो अभी हम लोग को पता है ना उसको कब छोड़ना है, कब बांधना है, कब खिलाना है, कब वो करना है। क्योंकि उसको अगर हम लोग दिन भर इंसानों की तरह फ्रीडम देंगे तो उसका तो ज्ञान बुद्धि नहीं है, वो दोबारा घूम के भी हम लोग के घर में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको दिन में दो बार छोड़ते हैं और बांधते हैं। और एक बात, अगर आपको पता नहीं है तो अभी ना हम लोगों का यहाँ पे घर में काम चल रहा है, मिस्त्री लोग आते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं, और अभी फेसबुक इतना बड़ा हो गया है तो वो ऐसे नाखून मारता है। तो नाखून मारने से क्या होता है, हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों को तो प्रॉब्लम होगा ना। और हम लोग ने तो ये समझ के रखा है कि हमने तो रेबीज का इंजेक्शन दिया है, तो लोग को अगर हम बोलेंगे तो विश्वास तो नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए उसको हम लोग बांध रखते हैं। और एक बात, हम फेसबुक को इतना प्यार करते हैं ना, प्यार करते इसीलिए हम लोगों ने उसको पाल पोस के रखा है, और हम लोग उसको इतना प्यार करते हैं, उसके सोने के लिए बेडशीट, ब्लैंकेट, गद्दा, पिल्लो सब बना के रखा है। और हम लोग उसको रखवाली करने के लिए बाहर भी नहीं छोड़ते, रात को अंदर ही रखते, क्योंकि मच्छर काट लेगा, बारिश के भीग जाएगा, इसीलिए। तो आई होप आपको जो मेरा रिप्लाई है वो आपको पसंद आया होगा। मैं कोई आपको मतलब बुरा ये नहीं बोल रही हूँ, अच्छा है आपने कमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो छी वर्ड लगाया वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, कमेंट करते रहिएगा और मैं रिप्लाई देती रहूँगी। तो थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी। तो चलिए दूसरे उसमें जाते हैं कॉमेंट में। सरस छेत्री, कति राम्रो हुनुहुन्छ हजुर को व्लग, मलाई बहुत राम्रो लाग्छ, प्लिज रिप्लाई गर्नु ल। उन्होंने बोला है कि आपका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी हो, और मुझे रिप्लाई करो। तो थैंक यू सो मच सरज, थैंक यू सो मच सरज जी, क्योंकि मुझे इतना सारा प्यार और प्यारा सा कमेंट देने के लिए। उसके बाद दूसरा कमेंट पे आते हैं पूजा देवी, आप एडिटिंग कैसे करते हो, ये जो तुम जो थंबनेल कैसे बनाते हो। तो जो एडिट करती हूँ वो मैं कैसे करती हूँ वो आप सब पूछ रहे हो, तो इसका भी मैं एक व्लॉग लेके आऊँगी। पूजा जी, मैं एक व्लॉग लेके आऊँगी, एडिट कैसे करती हूँ, थंबनेल कैसे लगाती हूँ, वो सारे मैं आप सबको दिखा दूँगी। शर्मास ने मुझे बोला है कि बहिनी को व्लॉग राम्रो छ, फुल सपोर्ट छ फ्रॉम दार्जिलिंग। थैंक यू सो मच, आप दार्जिलिंग से मेरे व्लॉग देख रहे हो, थैंक यू सो मच, इतने दूर से भी मेरे व्लॉग इंजॉय कर रहे हो, और थैंक यू। नंदिता धरुआ, नंदिता जी ने बोला है कि हेलो दीदी, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं ओडिशा से हूँ दीदी, रोज़ देखती हूँ आपका ब्लॉग। थैंक यू सो मच, आपने ओडिशा से मेरा व्लॉग देखा है, मेरा व्लॉग इंजॉय किया है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहिएगा और मुझे प्यारे प्यारे कॉमेंट देते रहिएगा, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, थैंक यू सो मच। तो फिर अमोल ने मुझे बोला है कि हाय सिस, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, योर ब्लॉग प्लेस वेरी ब्यूटीफुल लाइक यू। थैंक यू सो मच अमोल जी, आप मेरे ब्लॉग
तमिलनाडु से देखते हो, इतनी दूर दूर से देखते हो ना, मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हो, तो मुझे ये होता है कि हाँ ठीक है, इतने दूर से भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अमोल जी। पिंकी तुमराम ने मुझे पूछा, मतलब कमेंट किया है, और वो मध्य प्रदेश से देखती है मेरे व्लॉग। थैंक यू सो मच पिंकी जी, और आपका व्लॉग बहुत अच्छा है। और जिनको बोर लगता है, आप कुकिंग रेसिपी शेयर कर दीजिए दीजिए जो कुछ अलग डिश होगी आपके यहाँ की, वो अदरवाइज ऐसे भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच पिंकी तुमराम जी, आपने मुझे एक अच्छा अच्छा सॉल्यूशन दे दिया कि मैं किस तरह से क्या कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे ब्लॉग आप मध्य प्रदेश से देखती है, थैंक यू सो मच। नम्रता प्रधान जी ने कमेंट किया है कि आपका सिटी, असम का डिफरेंट प्लेस, मार्केट एक्सेट्रा इंक्लूड कीजिए सो डेट वी कैन सी योर स्टेट। तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि मुझे असम का जो प्लेसेस है, जो जो मार्केट है, जो सब कुछ दिखाना चाहिए, तो मुझे भी दिखाने का मन करता है। लेकिन क्या है ना, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, कोई ननद नहीं है, किसी के साथ जाने के लिए कोई भी अपना मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं जा सकती। जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना, तो आप सबको मैं असम की हर एक जो फेमस प्लेसेस है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ नम्रता जी कि मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कर दिए, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते तब मैं सब दिखाऊंगी आप सबको, ठीक है। तो फिर लाइफ नेचर ब्यूटी फूड, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि दीदी आई एम बेंगली बट आई इंजॉय योर व्लॉग, यू आर सो क्यूट एंड सिंपल। थैंक यू सो मच लाइफ नेचर ब्यूटी फूड, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यारा कमेंट दिया, थैंक यू सो मच। चंपा भट्टराय, उन्होंने कहा है कि दी मुझे डेली रूटीन का व्लॉग देखना पसंद है, आप डेली व्लॉग डालो, आप व्लॉग बनाने के लिए बाहर तो नहीं जा सकती, घर में बनाओ दी, जो है वही। थैंक यू सो मच चंपा भट्टराय, आपने मुझे समझा कि मैं हमेशा रोज़ रोज़ बाहर जाके वीडियोस तो नहीं बना सकती, क्योंकि मैं किसी के घर की बहू हूँ, तो मैं आज यहाँ जा रही वीडियो बनाने, कल यहाँ जा रही वीडियो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड होते तो मैं उनके साथ चली जाती। तो थैंक यू सो मच आप मुझे समझने के लिए, और इतना समझ रहे हो मुझे, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक फैमिली जैसा हो गया है। थैंक यू सो मच। तो फिर सालीना व्लॉग, उन्होंने कमेंट किया है सदिया माँ कौन जगह, वही कहाँ से हो सदिया, कहाँ से हो, 9 माइल। पूजा सुबेरी, उन्होंने कहा है कि बोर तो नहीं बट नाइट रूटीन भी दिया करिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि नाइट का व्लॉग जो मेरा इवनिंग का है वो भी मैं आप सबको दूँ। लेकिन एक मतलब एक प्रॉब्लम हो जाती है मेरी यहाँ पे ना, नेट जब शाम हो जाते हैं तो बहुत स्लो हो जाती है, तो इसलिए मैं 6 बजे से पहले पहले व्लॉग देना कोशिश करती हूँ, तो क्या होता है ना कि रात का रह जाता है, तो इसलिए मैं नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन भी निकाल लूँगी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। रविता ध्रुव, उन्होंने कहा है कि ससुराल होम टूर दीजिए प्लीज़। तो ससुराल होम टूर देने के लिए तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि घर बन रहा है, आप सबको पता है, तो घर बन रहा है, तो अभी मैं थोड़ी दिन ससुराल का ब्लॉग नहीं दे पाऊँगी। मुझे ससुराल का ब्लॉग देना बहुत मन कर रहा है, लेकिन थोड़ी दिन, आप सबको पता है आगे पीछे चारों तरफ घर बन रहा है, तो थोड़ा सा थोड़ी एक दो महीने के बाद वो घर कम्प्लीट हो जाएगा, तो मैं आप सबको अच्छे से ससुराल का ब्लॉग दे दूँगी। तो गाइस इतना ही था, कमेंट और भी है छोटे छोटे, लेकिन आप सब बुरा मत मानिएगा, आप सबका किसी का अगर मैंने नाम नहीं लिया है, किसी का कमेंट नहीं पढ़ा है, तो मुझे सॉरी, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सबका अगर मैं एक एक कमेंट पढ़ने जाऊँ तो इतना लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग ही, आप सबको बोर हो जाएंगे आप। तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमेंट देते रहिए, मैं फिर आगे भी कॉमेंट का रिप्लाई का ब्लॉग बनाती रहूँगी, तो आप सबका भी मैं ज़रूर नाम लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, जो मुझे रिप्लाई देने के लिए मतलब टाइप करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने वो रिप्लाई दे दिया है। सो आई होप आप सब मेरे जो कमेंट के रिप्लाई है उससे बहुत खुश हुए होंगे, सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर नहीं तो फिर से भी कमेंट करिए, कोई बात नहीं, मैं फिर से लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं दूसरे व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।